हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था हेयर ड्राइंग वीडियो के लिए, बहुत ज्यादा, तो मैं सोची कि इसको कर देती हूँ, के लिए बहुत कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और देख रहे, जैसे धूप एकदम मेरे फेस पे ही पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा धूप है आज। बहुत वेदर बहुत अच्छा है, ठंड जा रहा है, गर्मी आ रहा है, तो ये सोच के ही बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं नहा कर आ चुकी हूँ। आप लोग जैसे देख रहे हैं, मेरा हेयर वॉश किया हुआ है और यहाँ पे मैं जो क्या बोलते हैं बन बना हुआ है मेरा। एंड ये रहा गमछा, तो सो इसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को ये बोलना चाहिए थे कि प्लीज आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते हैं, मेरे को वो समझ में आता है। फुल वॉच क्या कीजिए, आप लोग फुल वॉच कीजिएगा तो मैं जरूर रिक्वेस्टेड वीडियोज भी जरूर करूंगी। तो मैं देखती हूँ कि मैं रिक्वेस्टेड वीडियो करती भी हूँ, बट आप लोग फुल वॉच नहीं करते, तो सो वॉच कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, नहीं तो मैं कभी कभी जब हेयर ड्राई करती हूँ तो मेरा प्रोसेस ये होता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये, और इस तरीके से। अगर जल्दी जल्दी सुखाना हो तो ऐसा करती हूँ, और अगर थोड़ा टाइम दे के आराम से कोई मतलब काम वाम करना होता है तब मैं ऐसा नहीं रखती हूँ, तब मैं इसको ऐसे करके एक छोटा सा गांठ देकर इधर बस ये इस टाइप से कर देती हूँ। तो इसी तरीके से करती हूँ। देखिए धूप कितना अच्छा धूप है, बहुत सुंदर सा धूप हुआ है। मैं नहा ली, फ्रेश हो गई एकदम अच्छे से, और बस ऐसे करके बाल को सुखाने का प्रोसेस तो मेरा यही है, और कुछ ज्यादा नहीं करती हूँ। और आज छत पे नहीं गई हूँ क्योंकि पड़ी सो रही है, और अगर मैं छत पे चले जाऊंगी तो रोएगी तो मुझे आवाज नहीं आएगा, इसलिए छत पे नहीं गई हूँ। अब गर्मी आ रहा है तो अब थोड़ा ब्लॉग वगैरह करने में भी आराम होगा। ठंड में बहुत दिक्कत होता है, मतलब फिर भी मैं तो हेयर वॉश का वीडियोस आप लोगों को दे ही रही थी ठंड में भी, धूप में छत पे जाकर कर रही थी। बट ठीक है, करना है काम, है काम तो करना है। और आप लोग को जो अच्छा लगता है, आप लोग जैसे बताते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को वैसा ही वीडियोज दूँ। तो बस यही है। देख रहे हैं कितना सारा कपड़ा वगैरह धोई थी तो सब सूख रहा है। और क्या लंबा वीडियो चाहिए हेयर वॉश का, सबका डिमांड था, थोड़ा लंबा कीजिएगा। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अच्छे से थोड़ा आप लोगों को दे पाऊँ। कैमरा सेट कर रही हूँ एक जगह पे, इसीलिए थोड़ा सा शेकी हो रहा है, सॉरी। तो हो गया ये, ओके। बस इसी तरीके से मैं इसको पूरा से अब सो ये रियल साउंड के साथ ही जाएगा वीडियो। Thank you.
बस ऐसे ही करके हेयर को मैं ड्राई कर रही हूँ। हेयर ड्राई करने का मेरा यही प्रोसेस है, इसी तरीके से करती हूँ। बस थोड़ा सा इधर उधर घूम के थोड़ा सा बाल सुखा रही हूँ मैं अपना। रिक्वेस्टेड वीडियो करती हूँ बट आप लोग इसको वॉच कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा तब रिक्वेस्टेड वीडियो करने में। मैं तो मेनली ब्लॉग्स करती हूँ बट ये आप लोग बोलते हैं कि आपके बाल लंबे हैं, ऐसा कीजिए, ये करके दिखाइए, तो मैं कर देती हूँ। हेयर ऑयलिंग भी शेयर करना है मुझे, मैं बाल में क्या क्या लगाती हूँ ये सब करूँगी, बट थोड़ा टाइम लेती हूँ क्योंकि बाबू बहुत छोटी है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उसको लेके ये सब करूँ। सो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। एक किसी का डिमांड आया हुआ है कि आप अपने बालों को कैसे झाड़ती हैं, कोम्ब कैसे करती हैं, ये दिखाइएगा। सो ये सब रिक्वेस्ट मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे कोम्ब करती हूँ, ये क्या दिखाऊं मैं, बट फिर बार बार देखती हूँ कि हर वीडियोस में ये कमेंट आ रहा है, मैम आपने मेरा रिक्वेस्ट पूरा नहीं किया, मैम आपने मेरा रिक्वेस्ट पूरा नहीं किया। सो इसी के लिए मैं सोचती हूँ कि नहीं चलो क्यों किसी का दिल तोड़ू, तो मैं कर देती हूँ। अब बताइए कोम्ब कैसे करना है, करती हूँ या कैसे करना चाहिए, अब इस पे है तो कर क्या करूँ। बार बार आप मेरे वीडियोज में भी आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मिलेगा कि उसमें रिक्वेस्ट आया हुआ है कि कैसे कोम करती हैं, ऑयलिंग करती हैं, ये वो। तो मैं कभी कभी तो कोशिश करती हूँ ब्लॉग्स में डाल दूँ, बट वो लोग बोलते हैं कि आप ब्लॉग्स में क्यों ऐड कर देती हैं, हम लोगों को अलग से देखना होता है। सो बस यही है, मेरी बाबू एकदम खेल रही है मस्त, फटाफट से सूख जाए जल्दी, तो ड्राई होता नहीं, टाइम लगता ड्राई होने में। ऐसा नहीं है कि हाँ गर्मी आ जाएगा तो गर्मी में क्या है आपका कि बहुत जल्दी ही हेयर ड्राई हो जाएगा और आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, मतलब बहुत जल्दी सूख जाता है। बस अब मैं ये मैं मोस्टली ड्राई हुआ है बट थोड़ा सा और होगा तो बस मैं अब घर चले जाऊंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ, कितना लंबा करूंगी हेयर ड्राई के लिए फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक हेयर ड्राई वीडियो को 10 मिनट बनाना बहुत, मतलब क्या दिखाऊं बताइए हेयर ड्राई में, जो प्रोसेस है तौलिया गमछा गमछी जो भी लेके करना होता है कर लेती हूँ, बट फिर भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है मैम थोड़ा लेंदी कीजिए हेयर ड्राई का वीडियो, बहुत शॉर्ट था, बहुत शॉर्ट हो गया, आपने बहुत कम टाइम दिया इस वीडियो को। सो इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देके आज रिक्वेस्ट पूरा की आप लोगों का। अब मैं इस वीडियो को तो बस ऐसे करके मेरा हेयर ड्राई हो जाएगा, मोस्टली हो गया है, थोड़ा बचा हुआ है वो भी हो जाएगा। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगी कि मैं कैसे हेयर कोम करती हूँ ये वीडियो आप लोग को दूँ। तो बस ऐसे करके आप लोग देखिए, अपना प्यार बनाए रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज कर लीजिएगा, बस यही है। और बस थैंक यू।